भारत में शादी के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने में कितना खर्च आता है? अगर आपको भी अपनी शादी में हेलीकॉप्टर बुक करना है और बुक कैसे होता है, कितना खर्च आता है, ये सभी जानकारी चाहिए तो खबर को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल शादियों में बढ़ चढ़कर खर्चा किया जाता है, ऐसे में शादी में हेलीकॉप्टर बुक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल सभी लोग अपनी शादी को खास बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं जो लोगों को हमेशा याद रहे। हेलीकॉप्टर बुक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप किसी भी गाड़ी की तरह इसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको किसी भी ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर इसे बुक करना होगा। आजकल ऐसी बहुत एजेंसियां हैं जो इस तरह की सुविधा दे रही हैं। हेलीकॉप्टर का खर्चा सीट, दूरी और घंटे के हिसाब से तय होता है। आजकल जो हेलीकॉप्टर ज़्यादा बुक होते हैं वो पायलट सहित 3 सीटों वाले होते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर का किराया दूरी के हिसाब से भी तय होता है। अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है तो इसकी फीस ज़्यादा होगी। कई एजेंसियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला कि हेलीकॉप्टर को आपको कम से कम 2 घंटों के लिए बुक करना होगा। इसमें 2 से 2.5 लाख तक का खर्चा आता है और अगर 2 घंटे से ज़्यादा देर तक के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए तो प्रति घंटा इसका चार्ज 50 से 60 हज़ार रुपये तक बढ़ता जाएगा। हेलीकॉप्टर बुक करने से पहले आपको अपने क्षेत्र के DM से परमिशन लेनी होगी। हेलीकॉप्टर के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की जानकारी मिस ना कर पाएं।